guys, welcome back to the channel. Mom is life my way. How are you all? Hope you are doing fine guys. आज जो है नवमी है. मैं बहुत इरेगुलर वीडियोज डाल रही हूँ, आई नो दैट, लेकिन आज है नवमी एंड आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग टुडे. सो हियर इज माई लिटिल गोलगप्पा हु इज लुकिंग गॉर्जियस इन हर नवरात्रि अटायर. आई शो द फुल अटायर जस्ट इन अ मूवमेंट. एक्चुअली आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ रेगुलर होने का, लेकिन स्पेसिफिकली मैं यू नो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे साथ हो रही हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट एबल टू पुट रेगुलर वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो दैट्स दैट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ट्राइंग नाउ. आई विल बी रेगुलर पुटिंग टू वीडियोज वीकली, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं पहले 3 वीडियोज़ डालती थी वीकली, बट नाउ इट्स लाइक गेटिंग थोड़ा सा हेक्टिक फॉर मी. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू एंड 2 वीडियोज़ अ वीक विच विल कम ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज. सो दिस इज़ द ट्यूजडेज वीडियो. टूडे इज 8th ऑफ अक्टूबर. नो सॉरी, टूडे इज नॉट 8th ऑफ अक्टूबर, टूडे इज 7th ऑफ अक्टूबर. लेकिन मुझे ब्लॉग करना था नवरात्रि के लिए, क्योंकि यू नो तरीके से मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं नीचे जाने वाली हूँ अभी गरबा खेलने के लिए. टुडेज कलर इज़ आई गेस पिकॉक ग्रीन कलर, जो कि इस चुन्नी का थोड़ा सा कलर है. मेरे पास पूरा पिकॉक ग्रीन कलर का आउटफिट नहीं है, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वाला यू नो ब्लैक कुर्ते के साथ पेयर कर लिया. एंड दिखाती हूँ भैया का आउटफिट जस्ट अ सेकेंड. देयर इज़ द फुल आउटफिट ऑफ नवरात्रि माई बेबी का. वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस. एंड मेरा आउटफिट तो मैंने बता दिया है, ये ब्लैक कुर्ती है प्रॉपर, उसके ऊपर गोल्डन फॉइल का काम किया हुआ है ऑल ओवर आगे पीछे. ये मेरी जो है बनारसी दुपट्टा है मेरा एंड नीचे मैंने गोल्डन कलर का प्लेन प्लाजो पहना हुआ बिकॉज दैट गोज विद द थिंग्स यू नो. सो दैट इज़ द रीज़न. मेकअप मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, ओनली रेड लिपस्टिक एंड इयर रिंग्स ये वाले पहने हुए इयर रिंग्स. हाउ इज़ माई चूड़ी है, मैंने आज ही खरीदी है मैंने नीचे वाले लोकल मार्केट से दुकान से. सो आई थॉट ऑफ यू नो वेयरिंग इट टुडे, क्योंकि कल दशहरा है एंड इतना टाइम नहीं मिलेगा यू नो बैंगल्स वगैरह चेंज करने के लिए. सो इट इज़ बेटर टू बी रेडी थोड़ा सा पहले, इसीलिए रेडी हो चुकी हूँ. इग्नोर माई नेल्स, आई वॉन्टेड टू पेंट इट बट आई डिड नॉट कट द टाइम. एज आई टोल्ड यू देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग गुड न्यूज़ कमिंग ऑन माई चैनल, सो स्टे ट्यून्ड. आज के व्लॉग में पता नहीं चलने वाली है बिकॉज देर इज स्टिल सम टाइम टू टू कन्फर्म द न्यूज़. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट ओपनिंग इट, बट या आई एम उस गुड न्यूज़ के पीछे ही मैं थोड़ा सा यू नो हूँ अभी. सो इसीलिए मैं जो है ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, यू नो वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी. सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट, अगर वीडियोज़ नहीं हो रहे हैं मुझसे तो व्हाई नॉट गो अहेड एंड व्लॉग अ डे और समथिंग. यू नो फेस्टिव सीजन है तो इट लुक, मतलब आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम व्लॉगिंग टुडे. आज है, जैसे मैंने बताया, आज है नवमी एंड टुमारो इज़ दसरा. 9th ऑफ अक्टूबर को है आदित्य का बर्थडे, तो बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं. बी रेडी. चलते हैं नीचे, हमारे यहाँ पे नीचे पंडाल में देवी होती है, माता बिठाई जाती हैं फॉर होल 9 डेज एंड टुडे इज़ नवमी. आई थिंक आज नीचे हमें व्हाट इज़ दे आई डोंट नो, यहाँ पे ये लोग अन्नदानम बोलते हैं, जहाँ पे हमें रात में डिनर होता है नीचे. आई डोंट नो व्हाट डू दे से इन हिंदी, आई ओनली डोंट नो, आई फॉरगॉट. या आई फॉरगॉट, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. सो या यहाँ पे हमें आज रात को डिनर भी है नीचे, लेकिन मेरा जो है 9 दिन का पूरा फास्ट था, तो आई डोंट वांट ईट एनीथिंग बट आई विल मेक श्योर दैट वी आर ईट्स इट बिकॉज ये प्रसाद होता है भगवान का एंड आई एम श्योर ये यू नो यू शुड हैव दैट. एंड आदित्य तो बहुत लेट आने वाला है ऑफिस से, तो उसका तो उसका सवाल ही नहीं आता है. ये है विया का जी के बुक विच यू वॉन्ट टू शो यूर. काय दाखव दे शीते, काय किडे बिडे दाखव दे. सो दैट्स दैट. एंड हाँ, मेरा तो 9 दिन का फास्ट है. आई वॉज टेलिंग यू दैट मेरा तो 9 दिन का फास्ट है एंड मेरी नोज कुछ ज़्यादा ही ग्लो हो रही है आज. मैं मुझे ऐसा लग रहा है यू नो लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो हो रही है, क्यों ऐसे पता नहीं, मैंने तो कुछ लगाया भी नहीं है आज, लेकिन आई डोंट नो.
So yeah, back to the topic. What was I telling you? Yeah, मेरा दिन का fast होता है. नीचे आज हमें भोग है. भोग ही बोलते होंगे. I don't know. अन्नदानम है. We are going to have dinner then today. And कल का vlog. ये vlog मैं कल का, you know, दशहरे के लिए भी continue करने का सोच रही हूँ. So bye. कल का वीडियो जो है अधूरा रह गया था. आई मीन मैंने एक दो वीडियोस निकाले थे बीच में जहाँ पे मैं खेल रही हूँ गरबा. ज़्यादा नहीं निकाल पाई बिकॉज देयर वॉज नो वरी टू यू नो शूट माई वीडियोज. आदित्य बहुत लेट आए ऑफिस से, तो दैट इज़ द रीज़न. एंड आज है दशहरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हैप्पी दशहरा टू यू ऑल ऑफ यू. एंड अभी जो है जस्ट डैडी का पूजा करके आए हैं, सरस्वती पूजा हो गया है, भगवान का पूजा हो गया है, एवरीथिंग इज़ डन. अभी खाली लंच पकाना रह गया है, आई मीन बाकी है अभी लंच पकाना. एंड आज लंच में तो कुछ ज़्यादा स्पेशल है भी और नहीं भी, दैट यू हैव टू लाइक वेट एंड वॉच. मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी जो मैंने लास्ट दिवाली ली हुई थी. उसका ब्लाउज मुझे नहीं मिल रहा था, सो आई पेयर्ड इट अप विद दिस ब्लाउज, क्योंकि मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है उसका ब्लाउज. सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने उसको इसके साथ ऑफ वाइट वाले ब्लाउज के साथ यू नो पेयर कर लिया. एंड रिया का आउटफिट तो आपने देख ही लिया है. मैडम ने नोवारी साड़ी पहनी है. ये एक महाराष्ट्रियन मतलब व्हाट डू यू से दैट, महाराष्ट्रियन टाइप की साड़ी है विच नॉर्मली वुमेन वेयर इन विलेजेस और नाउ ऑल्सो. हालांकि मेरे पास एक भी नहीं है, मुझे पहनना भी नहीं आता है. कैसे पहनते हैं दैट साड़ी विच रिया इज़ वेयरिंग इज़ अ रेडीमेड साड़ी. आपको खाली यू नो पैंट के जैसे पहनना है उसको, एंड देन पल्ला लेना है उसका. दैट इज़ अ रेडीमेड साड़ी. ऐसे रेडीमेड साड़ीज मतलब औरतों के लिए भी, मतलब एडल्ट वुमेंस के लिए भी मिलते हैं, बट आई एम नॉट इन टू दैट. मुझे वो साड़ी का टाइप अच्छा नहीं लगता, सो दैट इज़ द रीज़न. एंड वी आर लुकिंग क्यूट एज यू ऑल सॉ इन द लास्ट प्रीवियस क्लिप. एंड अभी चलेगा, चलो खाना बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है स्पेशल. यस, फाइनली व्रत छोड़ रही हूँ. तो है पनीर की सब्जी, दाल राइस, पोटैटो सब्जी जो पेटेंट है महाराष्ट्रियन थाली में होनी चाहिए, देन पूरी, पापड़ एंड खीर. सो लेट्स स्टार्ट.
Thank you.